morning everyone, my name is Komal Yadav. We have discussed about the different side effect of the taking polluted air. Okay, now we are going to discuss about a new topic, that is breathing in a different animals. As we know that we are doing breathing in the process of respiration, and it is common. As you know that we are taking oxygen, releasing carbon dioxide with the help of lungs. Yes, but let me tell you about that. This thing is happen including us, animal like cow, buffalo, deer, cat, some mammals, snake and other reptilians. Okay, they can breathe like humans. Hum log kya karte hain, just like with the help of lungs we are taking carbon dioxide, sorry, oxygen and releasing carbon dioxide. This is called the respiration or breathing process in some of the animals. But kya sabhi ke paas lungs hai? इनके अलावा भी जो क्रिएचर्स हैं इस यूनिवर्स में, तो नहीं. रिस्पिरेशन सब करते हैं, ब्रीथिंग सब करते हैं, बट द टेक्निक इज क्वाइट डिफरेंट. ओके, और दे आर हैविंग अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन व्हिच आर क्वाइट डिफरेंट देन दैट ऑफ अस. हमारे से बिल्कुल अलग है. ओके, नाउ कम टू द सम ऑर्गन्स लाइक इंसेक्ट. उनके पास लंग्स नहीं होता, क्या वो लंग रेस्पिरेशन नहीं करते, ब्रीथिंग नहीं करते? तो वो ब्रीथिंग करते हैं, बट उनका टेक्निक अलग होता है. सो ब्रीथिंग थ्रू द एयर, अभी इसी में सबसे पहले है कुछ क्रिएचर्स लाइक कॉकरोच, ग्रासहॉपर्स एंड बी. दे कैन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर होल्स. अब ये होता क्या है, कुछ स्पेशल क्रिएचर्स लाइक कॉकरोचेस, ग्रासहॉपर्स और बी में क्या होता है, एयर होल्स पाए जाते हैं. ओके, उनकी बॉडी पे, उनकी बॉडी सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं स्प्रैकल्स, स्पाइरेकल्स, ये स्पाइरेकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्रीथिंग प्रोसीजर इन द ग्रासहॉपर, कॉकरोचेस एंड द बीज. ओके, अब हम बात करेंगे कि कैसे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये कैसे उनका रेस्पिरेशन होता है. स्प्रिंकल्स जो होते हैं एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उनके बॉडी में ट्यूब लाइक नेटवर्क जिसको एयर ट्यूब, और उसका नाम है, उसको बोलते हैं ट्रैकी. इंसेक्ट के अंदर कई सारे ट्यूब लाइक एयर ट्यूब, एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग ट्रैकी बोलते हैं. ओके, ये क्या करते हैं, ये टिश्यूज से स्प्रिंकल्स से तक जोड़ने का काम करते हैं. इसका मतलब है ब्रीथिंग प्रोसेस में कॉकरोचेस क्या करते हैं, स्प्रिंकल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करते हैं जो कि ट्रैकी में जाती है, और ट्रैकी उस सेल, उस टिश्यू के सेल तक लेके जाता है जहाँ पे रेस्पिरेशन होने वाला होता है. ओके, यानी कि वहाँ पे जाकर के फूड का ऑक्सीडेशन और एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेशन का मेन डेफिनेशन. और फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करके एयर ट्यूब यानी कि ट्रैकी से होता हुआ स्प्रिंकल्स में आता है और बाहर एक्सपेल डाउन हो जाता है. तो इस प्रोसीजर से ब्रीथिंग हो जाती है. कैसे, नॉर्मल एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. सपोज ये कोई टिश्यू है, यहाँ पे हमारा स्प्रिंकल्स, ये हो जाएगी हमारी ट्यूब. बाहर से रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन पहले स्प्रिंकल्स में गया, स्प्रिंकल्स के बाद इस नेटवर्क के थ्रू, इसको हम लोग ट्रैकी बोल रहे हैं, इस सेल में गया. सेल से फिर से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रैकी में आया, फिर स्प्रिंकल्स में आया और सेल से बाहर निकल गया. तो इस तरीके से ब्रीथिंग हो पाती है. ओके, नेक्स्ट, ब्रीथिंग थ्रू द वॉइस पे. कुछ ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, यस, अर्थवॉर्म जो होते हैं उनकी बॉडी की आउटर कवरिंग बहुत ही स्लाइमी होती है, मॉइस्ट भरा होता है, स्किन जो होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है. वही उनका होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. वो ऑक्सीजन, सॉरी, अपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ब्रीथिंग का प्रोसेस अपने स्किन से ही करते हैं, यानी कि डिजॉल्व मैनर में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अपने बॉडी में ऑब्जॉर्व करते हैं, और डिजॉल्व मैनर में कार्बन डाइऑक्साइड उसी उसमें जो भी है बाहर रिलीज करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी में रिलीज करते हैं. ओके, तो जिस भी तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं. उसका मीडियम क्या होता है, उनकी मॉइस्ट स्किन. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.